महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले, एक दिन में 105 मौतें। महाराष्ट्र के लिए राहत की खबर, अब 14 दिन में दोगुने हो रहे हैं कोरोना के मामले, पहले 3 दिन में हो रहे थे डबल। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत की दर भी हुई कम, अप्रैल के 7.6% के मुकाबले 3.25% है कोरोना से मौत का आंकड़ा। सायन से एक महीने की कोरोना पॉजिटिव बच्ची हुई डिस्चार्ज, मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर किया विदा। राहुल गांधी ने आदित्य ठाकरे से की बात, महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में कांग्रेस को बताया मजबूत पार्टनर। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार के सभी घटक दलों का पलटवार, कहा सरकार के खिलाफ साजिश रच रहा है विपक्ष। महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों के मंत्रियों ने रेल मंत्री को घेरा, कहा केंद्र ने स्पेशल पैकेज की जगह रची साजिश, गुजरात को 1500 लेकिन महाराष्ट्र को सिर्फ 700 ट्रेन। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच आज हुई तीनों दलों के नेताओं की बैठक। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की नारायण राणे की मांग पर कृषि मंत्री दादाजी भूसे का तंज, बोले वो तो अमेरिका और दुनिया में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर सकते हैं। मुंबई के स्टेशनों पर सुबह तक जमा रही प्रवासियों की भीड़, बिहार की ट्रेन रद्द होने से कई मजदूर लौटाए गए। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर रात भर लगा रहा प्रवासी मजदूरों का तांता, कई घंटों से ट्रेनों का इंतजार। परभणी में एनसीपी के विधायक बाबा ज्ञानी दुर्रानी समेत लॉकडाउन नियम तोड़ने के लिए 125 पर केस, ईद की नमाज पढ़ने हुए थे इकट्ठा। बीड में 14 साल की बच्ची अपने जन्मदिन पर कोरोना को मात देकर हुई डिस्चार्ज, अस्पताल विदा करते हुए गाजे बाजे के साथ केक काटा। बारामती में पुणे के अस्पताल में रहे एक शख्स ने अपने गांव के बाहर ही पेड़ के नीचे खुद को 14 दिन के लिए किया क्वारंटीन, बोला परिवार और गांव को खतरे में नहीं डालना चाहता। पुणे में बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे होमगार्ड को 5 युवकों ने जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ₹995 अंकों के उछाल के साथ 31,605 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 285 पॉइंट्स बढ़कर 9,314 पर बंद। गंभीर आर्थिक हालात से निपटने के लिए नवंबर दिसंबर तक एक और आर्थिक पैकेज ला सकती है सरकार, एसबीआई की रिपोर्ट में किया गया दावा। कर्मचारियों में कोविड-19 के लक्षण मिलने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं करेंगी कंपनियां, एसओपी के साथ जारी रहेगा काम। बिजनेस में वापसी के लिए बाटा ने देश भर में खोले 50% रिटेल स्टोर, फेस्टिव सीजन से पहले कारोबार पटरी पर आने की नहीं है उम्मीद। कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए कार कंपनियां ला रही हैं लगातार लुभावनी स्कीम्स, आसान किस्तों के लिए मारुति आईसीआईसीआई बैंक ने मिलाया हाथ। क्रेडाई ने आरबीआई गवर्नर को लिखी चिट्ठी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कमी का फायदा एनबीएफसी तक पहुंचाने की गुजारिश। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की लिस्टिंग की योजना तैयार, अमेरिका चीन के ट्रेड वॉर से हो सकता है फायदा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की सोनू सूद की तारीफ, प्रवासी मजदूरों को घर भेज रहे हैं सोनू सूद। मुंबई में सहरसा के मनीष को मिला एक्टर सोनू सूद का साथ, सोनू सूद की मदद से घर पहुंचा मनीष, उन्हें मानने लगा भगवान। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑटो रिक्शा चालकों को बांटे सैनिटाइजर और मास्क, प्रदेश में चलाया गया कोरोना वॉरियर अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं, दिखाते हैं महाराष्ट्र का कोरोना अपडेट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 105 कोरोना मरीजों की मौत हुई है
और 24 घंटे में कोरोना के 2190 नए मामले महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद अब बढ़कर 56,998 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,897 लोगों की मौत हो चुकी है। बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई में 24 घंटे में 32 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में 1,044 नए मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के। मुंबई में कोरोना से अब तक 34,018 लोग बीमार पड़ चुके हैं और मुंबई में अब तक 1,097 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण के कारण हो चुकी है। मुंबई में अब तक 8,408 मरीज स्वस्थ हुए हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सायन अस्पताल में आज कोरोना पॉजिटिव एक महीने की बच्ची को डिस्चार्ज किया गया। मां की गोद में सो रही बच्ची को अस्पताल के डॉक्टरों ने ताली बजाकर विदाई दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का, जो मेडिकल स्टाफ है, उसकी खुशी का और इस मां की खुशी का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें एक नई उम्मीद को जन्म देती हैं, एक आस मन में जगाती हैं कि कोरोना से इस लड़ाई में जीत आखिरकार हम सबकी होगी, बशर्ते हम मिलकर मजबूती के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन के मसले पर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही। रेल मंत्री की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि पर्याप्त ट्रेनें भेजी जा रही हैं, मगर ट्रेन खाली लौट रही हैं या रद्द हो जा रही हैं। तो महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र बाकी राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र को कम ट्रेनें दे रहा है। आधी रात से ही मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर रेल में बैठने के लिए मजदूरों का रेला लग गया था। मजदूर अगली सुबह ट्रेन में बैठकर घर जाने के लिए स्टेशन पर ही जमा थे, मगर उनके हाथ लगी मायूसी। ट्रेन चली ही नहीं, और ट्रेन चली नहीं तो अपनी घर गृहस्थी सिर पर लादकर परिवार समेत मजदूर वापस लौटने लगे। हम इस वक्त मौजूद हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर और आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ यहां पर उमड़ी हुई थी। ये राजस्थान जाने वाले कुछ पैसेंजर्स थे जिनकी ट्रेन सवेरे 4 बजे यहां से लोकमान्य तिलक टर्मिनस से खुलनी थी, पर वो ट्रेन अचानक कैंसिल हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि वो ट्रेन फुल हो गई, इसी वजह से 400 से 500 पैसेंजर्स जिनको स्टेशन पर आने के लिए कहा गया था, असेंबल होने के लिए कहा गया था, वो लोग यहां पर आकर अब घर वापस जा रहे हैं। सर, ये बताएंगे आप लोगों ने कहां के लिए ट्रेन बुक की थी और क्या हुआ उसके बाद? हमने अजमेर के लिए बुक की थी और अब सब सामान वापस लेके जा रहे हैं। हमारा घर भी खाली हुआ, हमको एंट्री भी नहीं मिलेगा, कॉलोनी में कहीं जाके पढ़ना पड़ेगा, क्या करेगा वो? मजदूर परेशान है और इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि रेलवे के सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र को 145 ट्रेन देने का प्रस्ताव दिया गया। महाराष्ट्र से चलने के लिए 140 ट्रेन तैयार हुई, सिर्फ 62 ट्रेन चली, बाकी रद्द हो गई। रेलवे का मानना है कि ये ट्रेन इसलिए रद्द हुई क्योंकि महाराष्ट्र सरकार यात्रियों की लिस्ट तैयार नहीं कर सकी। रेल मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में 145 ट्रेन खड़ी हैं और उनके लिए यात्री नहीं है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार पैसेंजर नहीं ला पा रही है, उनकी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और गाड़ियां खाली पड़ी हैं, नहीं तो लाखों और लोगों को उनके घर तक पहुंचा सकते थे। रेल मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया। गुजरात राज्य महाराष्ट्र पेक्षा छोटा है, त्यांना 1500 ट्रेन दिले आणि आपल्याला आतापर्यंत फक्त 700 ट्रेन दिलेली आहेत, हा फरक आहे त्याच्यामधला। रेलवे प्रशासन ने जो ट्रेने भेजी है उसमें लोगों को गुमराह करने का काम केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री वार कर रहे हैं तो उन पर केंद्र की ओर से पलटवार भी हो रहा है। भारत सरकार पूरी ट्रेन देने को तैयार है, आज उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों लाखों चले गए, शायद यूपी में लगभग 1000 ट्रेन से लोग विदा हो चुके, बिहार में भी संख्या
600-700 के ऊपर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप रोज देख रहे हैं। कांग्रेस सरकारों ने प्रदेशों ने कितना लिया है, ट्रेन दिया है, ये भी आप जानते हैं। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की रेल पर मची इस राजनीति में मुसीबत उन मजदूरों की है जो दिन रात एक करके अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र सरकार पर चल रहे कथित संकट के बीच सरकार में शामिल तीनों दल आज बीजेपी पर जमकर बरसे और कहा कि पार्टी कोरोना वायरस से लड़ने वाले लोगों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में एकता दिखाने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों दलों के नेता एक साथ आए और कहा कि बीजेपी कोरोना से लड़ाई में सरकार के हाथ मजबूत करने की जगह राजनीति में लगी है। तीनों मंत्रियों का आरोप था कि महाराष्ट्र के साथ न्याय नहीं हो रहा। इन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र को गेहूं दिया जाता है, पर सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र को कोई विशेष मदद नहीं मिली। गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत जो हमारे गरीबों को अनाज देना था, गेहूं देना था, चावल देना था, दाल देनी थी, उसमें 1750 करोड़ का गेहूं दिया गया। 1750 कोटी रुपयाचे गहू महाराष्ट्राला मिळालेले नाहीत। ऐसा कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो 28,104 करोड़ रुपए का की मदद केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को की गई है। 28,000 कोटी त्यांचा जे म्हणणं आहे, आम्ही जो हिशोब काढला आहे त्याच्यापैकी आतापर्यंत राज्याला 6,649 कोटी रुपये राज्याला आलेले। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए थे, इसका भी महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने जवाब दिया। कुल मिलाकर मुंबई में 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी है, लेकिन एवरेज 3,500 टेस्ट हो रहे, उसमें भी 30-32% टेस्ट ये पॉजिटिव हमको दिखाई पड़ते हैं। महाराष्ट्र आज 72 लैब्स है, पूर्वी आम्ही 600-700 टेस्ट करत होतो, आता रोज 13,000 टेस्ट केले जाता है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं का कहना था कि मुंबई में मई तक बहुत ज्यादा संख्या में लोगों के कोरोना से संक्रमित होने का आकलन किया गया था, लेकिन सरकार की सक्रियता की वजह से संक्रमण के मामले कम आए, पर बीजेपी बजाय हमारा साथ देने के किसी और ही कोशिश में लगी हुई है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।